नमस्कार, साम आपा यानी सोपोरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। अकादमी के संस्थापक हैं विख्यात संतूर वादक कंपोजर पद्मश्री से अलंकृत पंडित भजन सोपोरी। साम आपा का मोटो है जन जन तक संगीत यानी म्यूजिक टू द मासेस। आज के हालात को देखते हुए साम आपा ने अपनी पहली ऑनलाइन सीरीज की शुरुआत की है, साम आपा डिजिटल बैठक, जिसका उद्देश्य है कलाकारों और दुनिया भर के ऑडियंसेस के बीच एक सांस्कृतिक सेतु, एक कल्चरल ब्रिज का कार्य करना। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है श्री सचिन शर्मा का तबला वादन। झांसी के प्रतिभाशाली तबला वादक सचिन शर्मा पंडित कृष्णकांत झा के शिष्य हैं। सचिन शर्मा हैज डन हिज एमए इन म्यूजिक फ्रॉम प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज। हिज स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय लाइवलीनेस, excellent control over lay, that is rhythm, and a keen sense of balance and modulation of sounds on the tabla. He has performed in various music festivals both in the country and abroad. Sangeet jagat ki vikhyat vibhuti Pandit Bhajan Sopuri ne unki pratibha ko pehchana aur badhava diya. Before his recital, I would like to invite our today's guest expert, the eminent musicologist, music critic, writer and tabla guru Pandit Vijay Shankar Mishra to talk about today's performance. Namaskar mitron, main Vijay Shankar Mishra. Jaisa ki abhi Sadhana ji ne aapko bataya, aaj Samapa digital baithak mein desh ke yuva aur pratibhavan tabla vadak Shri Sachin Sharma 3 ताल में अपना स्वतंत्र तबला वादन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 3 ताल जिसका प्राचीन नाम त्रिताल है, तबले का सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रचलित ताल है। दक्षिण भारत में इसी के सदृश एक दूसरा ताल है आदि ताल। नाम से ही पता लगता है कि वह सर्वाधिक प्राचीनतम ताल होगा। आदि अर्थात शुरुआत। उत्तर भारत में 3 ताल जो है या त्रिताल सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रचलित इसलिए भी है कि इसका 4-4 मात्राओं का विभाग गायकों, वादकों और नर्तकों को अपनी रचनाओं की प्रस्तुति के लिए बहुत ही अनुकूल प्रतीत होता है। त्रिताल अति विलंबित लय से अति द्रुत लय में बजाया जाता है, इसलिए इसके स्वरूप में थोड़ा बहुत अंतर कर दिया जाता है। जैसे अगर गायन में विलंबित ख्याल गाना है तो 3 ताल को विलंबित लय में प्रस्तुत करने के लिए इसके एक दूसरे स्वरूप तिलवाड़ा को विकसित किया गया। हालांकि बहुत सारे लोग सीधे त्रिताल में भी विलंबित और अति विलंबित ख्याल प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग तिलवाड़ा ताल में विलंबित ख्याल प्रस्तुत करते हैं, जिसे बड़ा ख्याल भी कहा जाता है। इसी तरह अगर लालित अंग की चंचल प्रकृति की कोई रचना प्रस्तुत करनी हो तो त्रिताल का एक दूसरा स्वरूप है अद्धा पंजाबी। इस तरह की रचनाएं उसमें प्रस्तुत की जाती हैं। बनारस घराने में विलंबित लय में, गड़ी हुई लय में गंभीर युक्त ठुमरी अगर गाना हो तो 3 ताल का एक दूसरा स्वरूप है 16 मात्रे में जत। तो इस तरह हम देखते हैं कि 3 ताल के अलग अलग स्वरूप अलग अलग लयों में बजने के लिए विकसित हुए हैं। बावजूद इसके 3 ताल या त्रिताल अपने मूल स्वरूप में भी अति विलंबित से अति द्रुत लय में बजाया जाता है। विलंबित लय में, अति विलंबित लय में इसमें विलंबित ख्याल गाए जाते हैं, तो सितार आदि में जब झाला बजती है तो भी 3 ताल अपने मूल स्वरूप में ही बजता है। तो आइए सचिन शर्मा से आज हम 3 ताल में कुछ विशेष रचनाएं सुनते हैं।
समापा परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ और सचिन को अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।
Thank you.